गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू प्लस कैंपस 2611 में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम साइंस की एक सीरीज लेके आए हैं क्वेश्चंस की, जो 67 से भी ज़्यादा प्लेलिस्ट के अंदर हमारी साइंस की वीडियोज़ हैं। दोस्तों, साइंस की जो वीडियोज़ हैं हमारी, उसमें आपने देखा भी होगा, उसमें आपने देखा होगा साथियों, जो पूरे के पूरा अपना सेट चले हुए क्वेश्चंस के, पूरे टॉपिक करवाए गए थे पहले उसके अंदर, और फिर उसके बाद हमने क्या अभी सर, हेलो हेलो सर, नमस्कार भैया, नमस्कार दिनेश रोहिला, नमस्कार भाई ज्योति रोहिला, राम राम जी, राम राम भैया। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इसी सीरीज़ को, आगे बढ़ाएंगे हम अपने सेशन में। हम सबसे पहले आपको बताएं कि जितने भी क्वेश्चन हम आप करवाते हैं, वो सभी दोस्तों आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और सभी हर एग्ज़ाम्स के अंदर इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारी वीडियोज़ हैं, 67 के करीब वीडियो साइज की साथियों, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, उनके अंदर अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको डाउट होता है तो डिटेल वहाँ से भी देख सकते हो पूरी थ्योरी की। तो हम बिना समय को साथियों गवाए स्टार्ट करते हैं सीधा अपना आज के हम सेशन को ही। तो साइंस का एक भी पर्सन नहीं छूटेगा, क्योंकि वीपीसी परिवार आपके साथ है और आपका सहयोग भी जरूर चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला जो पर्सन है दोस्तों आपका, देखिए, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस। जो दिए गए हैं इनमें से बताना आपने कि कौन सा वायरस के द्वारा होता है। ज्योति, फकीर, चेचक, अमित शोकन जी, अमित जी भी इसी बता रहे हैं, अमन चौधरी, ए ए। दिनेश रोहिला जी, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, वायरस काज डिजीज। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये जो डिजीज दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपकी क्या है, चेचक, स्मॉल पॉक्स ही एक ऐसी डिजीज है जो वायरस के द्वारा होता है। नमस्कार भाई फकीर, नमस्कार। तो ये सिर्फ एकमात्र डिजीज ऐसी है, जो टीबी होता है दोस्तों, जो टीबी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा टीबी फैलता है। और ये जो आपका मलेरिया है, मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ वर्ग से फैलता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया का टाइप हमारे यहाँ पर प्रभावी है, बता रहा है इसके बारे में। मादा एनोफिलीज इसका वेक्टर है, वाहक है इसका। और हैजा साथियों जो डिसेंट्री डिजीज है, ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, दूषित पानी आदि भोजन से उसके कारण होता है। तो आंसर आपका चेचक है। और चेचक का जो इन्वेंशन है दोस्तों, चेचक की जो वैक्सीन की खोज थी वो एडवर्ड जैनर ने की थी, वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस के फादर। कई बार पूछा जाता है जैसे जो वैक्सीनाइजेशन है, वैक्सीनाइजेशन के जनक माना गया है, फादर माना गया है। किसको माना गया है दोस्तों? एडवर्ड जैनर को याद रखेंगे, टीकाकरण पद्धति का जनक माना जाता है। और जो चेचक है दोस्तों, चेचक ये किस वायरस से फैलती है, उस वायरस का नाम क्या है? वेरिओला वायरस से बीमारी फैलती है। तो आपने इनसे संबंधित सभी जानकारी ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम, ये सभी को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में रक्त में भाई उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक कहलाता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स रेट इज, तो क्या कहलाएगा? एडवर्ड जेनर,
एडवर्ड जेनर ने की थी। देखिए, सिस्टोलिक दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा, डायसिस्टोलिक कहलाएगा, या फिर हाइपोटेंशन कहलाएगा, या हाइपरटेंशन कहलाएगा। देखिए, जो उच्चतम होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो सिस्टोलिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक कहलाता है दोस्तों। और ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट है, ब्लड प्रेशर का जो मापन है दोस्तों, वो हम किस में करते हैं? सफिगोमैनोमीटर से करते हैं, या आप लिख भी सकते हैं कि भाई सफिगोमैनोमीटर, पूरा लिखो तो मैनोमीटर एट HG स्केल, पारे के स्केल के ऊपर 80 मिलीग्राम से, सॉरी ये तो शुगर वाला बताया आपने, क्या बताया आपने, 80 से 120, न्यूनतम 80 होता है और उच्चतम क्या होता है 120। तो सिस्टोलिक कितना 120, डिसिस्टोलिक कितना 80, ये होता है साथियों पारे के स्केल पर, एट HG स्केल, ये प्रेशर मापा जाता है पारे के स्केल के ऊपर। ये बताया मैंने सिस्टोलिक, और डिसिस्टोलिक बताया मैंने 18, ठीक है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ये तो क्या आपके, ये तो प्रेशर से संबंधित है जब तनाव की स्थिति होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसका आंसर सभी नहीं दिया होगा, इसका आंसर सभी नहीं दिया होगा। बहुत अच्छे भैया अमन चौधरी, सबसे पहले आंसर देते हैं आप, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, प्रश्न आपका भाई, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को, यानी ऑर्गन से हार्ट की तरफ में ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, या बताना आपने कि वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, वो क्या कहलाएंगी? आर्टरी कहलाएंगी, वेन कहलाएंगी, आर्टरी और वेन दोनों कहलाएंगी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आज हमारा जो स्पेशल सेशन साथियों, वो क्वेश्चंस का वो बायोलॉजी से किया गया है। दिनेश रोहिला जी बता रहे हैं धमनी और शिरा दोनों कहलाएंगी, ज्योति बता रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। देखो, जो ऑर्गन से बॉडी की तरफ से, शरीर के अंगों की तरफ से, शरीर के अंगों से कहाँ पर जाएंगे? हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, अंग जो, यानी वो वाहिनियाँ जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं, हृदय की तरफ लेकर के जाएंगी, हृदय की तरफ लेकर जाएंगी, वो कौन सी कहलाएंगी? हृदय की तरफ कौन लेके जाती हैं? हृदय की तरफ लेकर जाती हैं वेन्स, शिराएं। और हृदय से प्योर ब्लड को, जो फिल्टर्ड भी है, ऑक्सीजनेटेड भी है, उस ब्लड को बॉडी तक पहुंचाने का कार्य, बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य वो कौन करती है? वो आर्टरी करती है, ठीक है। तो आंसर क्या बताया आपने इसका? बी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये रहा, देखिए बताना है इसमें कि भाई कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है वो आपने बताना है, कौन सा नहीं है इनमें से। तो सबसे पहले जितने भी साथी लाइव हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपने इस वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, यहाँ पर कंजूसी न करें। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही लाइक्स अभी तक कम आए आपके। देखिए, नव्या भी बता रहे हैं, यशिका ए बता रहे हैं, यशिका, चलिए देखते हैं कितने साथी ठीक बता पाए हैं, उसको देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण द्वारा
बताना आपने कौन सा आवश्यक नहीं है, फोटोसिंथेसिस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी तो आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल के नहीं होगा, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के बिना तो होगा कैसे। तो आंसर क्या है आपका, बी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको तो प्लांट ना रिलीज करेंगे, इसको तो पौधे छोड़ते हैं। तो जितने भी साथियों का आंसर बी है, अमन चौधरी ऑक्सीजन, यशिका, यशिका चंडीगढ़, देखिए प्रश्न नहीं वाला है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, प्रश्न क्या था, ये नहीं वाला था। तो इस पर आप क्या बताओगे, इस पर बताओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, आपको पता है। और ये भी पता आपको, यहाँ पर एक बार बार क्वेश्चन बनता है आर यू डी पी का, आर यू डी पी क्या है, आर यू डी पी, आर यू डी पी दोस्तों राइबुलोज डाइफॉस्फेट, एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, राइबुलोज, राइबुलोज, राइबुलोज डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ये दोस्तों एक कन्वर्टर होता है, एक परिवर्तक होता है, जो इन्वायरमेंटल CO2 को जब प्लांट से एब्जॉर्व करता है उसको चेंज करने का कार्य करता है, किसके अंदर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर। तो ये कन्वर्टर है, परिवर्तक है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका राइबुलोज डाइफॉस्फेट है। प्रश्न हमारा था कि पौधे की किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऑक्सीजन की नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्लांट रिलीज करेगा, छोड़ देगा। क्लोरोफिल साथियों, क्लोरोफिल एक आपको पता है, बिना क्लोरोफिल के पौधे के अंदर जो कलर पिगमेंट्स है वो डेवलप नहीं होगा, अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और आपको पता है क्लोरोफिल के टाइप्स भी, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल एफ। तो ये हम जर्नली स्टडी करते हैं 6 टाइप ऑफ क्लोरोफिल का दोस्तों। इन क्लोरोफिल्स में भी जो क्लोरोफिल एफ है, क्लोरोफिल एफ, ये आपका बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहलाता है, क्या कहलाता है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहलाएगा दोस्तों ये। और जो ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल आप बता रहे हो एफ, ये स्पेशली आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं, कॉमन क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। किस क्लोरोफिल को कॉमन क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, तो आंसर रहेगा क्लोरोफिल ए इज नोन एज कॉमन क्लोरोफिल, क्योंकि ये सभी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। और क्लोरोफिल एफ आपका क्या है, ये साथियों आपका बैक्टीरियल क्लोरोफिल है, जो स्पेशल बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है, कौन से बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। तो इस ऑप्शन में दिए गए सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको पता है कि आंसर आपका यहाँ से क्या निकाला, आपने ऑक्सीजन निकाला, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है जो दोस्तों वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स इसको रिलीज करता है, छोड़ता है, ठीक है, इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, निम्न में से कौन सा प्रदूषक, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है, बताना आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग्स पोल्यूटेंट इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, बताना आपने कि मनुष्य के लिए, ह्यूमंस के लिए कौन सा सबसे अधिक खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा, कार्बन कण। ये तो सभी बिल्कुल आसान प्रश्न था सबसे, दिनेश रोहिला, स्पेस ट्री नॉट क्लोरोफिल, अमन चौधरी ए, अमित चौकंजी ए। देखो दोस्तों एक बार ना आप जल्दी से, जैसे
क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर भी मैं कई बार देख लेता हूँ, जैसे दिनेश रोहिला जी बता रहे हैं कि स्पेस ट्री नॉट क्लोरोफिल। देखिए दिनेश जी, एक्सेप्शन हर जगह पर होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह पर होते हैं। अमन चौधरी ये बता रहे हैं, अमित शोकन जी बता रहे हैं, और ज्योति ने भी ये बताया, दिनेश रोहिला जी। एक बार अपना सभी चेक करें आराम से, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न था सबसे। नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। देखो कार्बन है, बताया आपने इसमें, जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड, दोस्तों ये प्रश्न हम कई बार रिपीट कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट्स में, जो क्लास में करवाए थे। कौन सी गैस प्रदूषक घटक निष्कासन मानव के लिए हानिकारक है, किस गैस का हानिकारक है? तो सभी का आंसर ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न था, कार्बन मोनोऑक्साइड। साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सबसे डेंजरस गैस मानी गई है, खतरनाक गैस मानी गई है। क्यों? क्योंकि ये गैस अदर गैसेज के कंपैरिजन में 200 टाइम, 200 गुना अधिक घुलनशील है ब्लड के अंदर, मोर सोल्यूबल इन ब्लड, अधिक घुलनशील है। और खास बात क्या है इसकी, कि ये गैस साथियों ब्लड के साथ मिलकर के, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही इसके साथ मिलेगी ब्लड के साथ में, तो क्या बनाएगा भैया? ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के अगर निर्माण ज़्यादा होगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बढ़ना स्टार्ट करेगा, आपकी बॉडी से आरबीसीज का डेथ रेट इनक्रीज हो जाएगा, आरबीसीज की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। यदि आप लगातार इस गैस के इफेक्ट में रहते हैं, प्रभाव में रहते हैं, तो आपकी ऐसी सिचुएशन में मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बंद कमरे के अंदर, एयर टाइट जो रूम आपका, लगभग कोल्ड रीजन के अंदर, सर्द ऋतु के अंदर जलती अंगीठी नहीं छोड़नी चाहिए, ये बार बार सलाह दी जाती है, हिदायत दी जाती है। देखिए ये बताया आपने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों प्रदूषक गैस नहीं है, ये सिर्फ क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ क्या कार्य करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सिर्फ प्रदूषण करती है, किसका? गर्मी का। वैसा प्रदूषण नहीं है, सिर्फ गर्मी वाला प्रदूषण करती है, गर्मी वाला, ठीक है। शीशा साथियों, जो लेड पार्टिकल होते हैं शीशा के कण, ये हाइपरटेंशंस, माइग्रेन्स आदि बीमारियां क्रिएट करते हैं, ये इसलिए खतरनाक है, तो याद रखेंगे इसको। और जो कार्बन के कण साथी, ये श्वास संबंधी बीमारियां, जो अध जले कण होते हैं वो श्वास संबंधी बीमारियां क्रिएट करते हैं। तो हमारा प्रश्न था कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों कोयले के दहन से उत्पन्न होती है, सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, मोमबत्ती के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तो इन सब के बर्निंग वाली जगह से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी अधिक डेंजरस होती है, ब्लड के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, अगर लगातार हम इसके प्रभाव में रहते हैं तो। क्यों होगी? क्योंकि आरबीसीज की मृत्यु शुरू हो जाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू होने पर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फिर पुरुषों में यानी मेल के अंदर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड इन ह्यूमन मेल्स, पुरुषों के गुणसूत्रों का, भाई निम्नलिखित में से बताना आपने, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक पाया जाता है,
ये कौन सा क्रम पा जाता है क्रोमोसोम्स का? दिनेश जी बता रहे हैं। चलिए सोनिका मोर, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून भैया। तो आंसर दिया आपने पुरुषों के अंदर, साथियों पुरुषों के अंदर बताना था कौन सा क्रोमोसोम्स पाया जाता है, कौन सा पेयर होता है। तो आंसर साथियों आपका, आंसर आपका मुकेश जी बता रहे हैं, अमन चौधरी, एक्स वाई दिनेश रोहिला, एक्स वाई, बहुत अच्छे से आवाज। तो आंसर क्या है इसका? सी है साथियों। क्या? सी। थोड़ा सा इसकी जानकारी भी ले लीजिए, जो क्रोमोसोम शब्द साथियों, द टर्म क्रोमोसोम्स, या जो गुणसूत्र शब्द है, गुणसूत्र शब्द, ये साथियों किसने दिया था? वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने दिया था। और हम बार बार इसको रिपीट भी करते हैं कि जो 23 पेयर होते हैं, 31 जोड़े क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और इन 21 में से साथियों पहले 20 प्लस 22 वाला 22वां, ये मिला करके 21 जोड़े क्या होते हैं आपके? इंटरलॉकिंग में आते हैं। ठीक है। और एक तो आपका 21st वाला 21वां, और एक साथियों 23वां, 23rd वाला, एक कौन सा? 23वां। ये इंटरलॉक नहीं होते। अगर इसमें एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या कहलाता है वो? डाउन सिंड्रोम कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। और इसमें आता है तो वो कॉमन जेंडर बन जाता है, फिर फेमिन बन जाता है, किन्नर बन जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये बताया आपने एक्स वाई होते हैं। और फीमेल के अंदर तो साथियों, फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ, आंसर तो आपने बता दिया कि वह आंसर सी है। फीमेल के अंदर साथियों सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। और मेल के अंदर क्या होते हैं? मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान एक्स और वाई मिलते हैं निषेचन क्रिया में, तो क्या बनेगा फिर? फिर बनेगा साथियों, एक्स और वाई मिलते हैं तो मेल बेबी बनेगा, और यदि पुरुष की तरफ से एक्स आता है तो फिर क्या बनेगा? फीमेल बेबी बनेगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो सेक्स डिटरमिनेशन में, लिंग निर्धारण करने में, जो 23rd पेयर होता है, 23वां जोड़ा, कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा किसका? 23rd पेयर, वो भी मेल का। ये सेक्स डिटरमिनेशन करता है, लिंग का निर्धारण करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। और महिलाओं में केवल एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स एक्स। और एक तो खास बात ये, और एक बात होती है साथियों कि जो आई रेटिना के अंदर जो सेल होती है, जिसको हम बोलते हैं कोन सेल, कोन सेल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोन सेल को बोलते हैं हिंदी में शंकु कोशिकाएं, है ना, शंकु कोशिकाएं। एक तो शंकु कोशिकाएं अधिक इफेक्टिव होती है फीमेल्स के अंदर, और एक एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए महिलाओं के अंदर जो कलर ब्लाइंड डिजीज है साथियों, वो बहुत कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, अभी भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये आपने प्रश्न किया, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना आपने, बताना है अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टिथ। सभी दोस्तों से हमेशा अनुरोध है कि भाई वो जल्दी से ना अपने वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, ताकि हमें आपसे एटीपी मिलती रहे, और भी विद्यार्थी जो नहीं जुड़ पाते हैं उनको भी दोस्तों इस चीज़ का लाभ हो उसके। रमेश रानी चहल, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये आपका कैल्शियम सल्फेट था, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर बिल्कुल सही आपका, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट होता साथियों कितने परसेंट होता है बोन के अंदर? ये कैल्शियम फास्फेट की मात्रा जितनी अधिक होगी, बोन्स उतनी ही अधिक स्ट्रोंग माने जाती हैं, हड्डियाँ उतनी अधिक मजबूत माने जाती हैं दोस्तों। अजय जियो का भी आंसर सही है। नव्या मलिक,
बहुत अच्छे भाई, शाबाश। देखिए हमारी बोन के अंदर, प्रश्न दूसरा पूछा मैंने, हमारी बोन के अंदर कितने प्रतिशत कैल्शियम फास्फेट होता है वो बताना आपने। हमारी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम फास्फेट है वो कितना होता है परसेंटेज के अंदर, अगर हम बात करें तो दोस्तों 35, 35% से लेकर के 50% तक होता है। और सबसे अधिक जो इसका अमाउंट है कैल्शियम फास्फेट का वो होता है साथियों हमारे टिथ एनामिल्स के अंदर। टिथ एनामिल्स दंत एनामिल में होता है सबसे ज़्यादा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बोन हमारी कौन सी होती है, जबड़े में टिथ एनामिल होती है, ठीक है। और अगर प्रश्न आए कि सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट किस जीव के हड्डियों में पाया जाता है तो आंसर होता है डॉग साथियों। और अगर प्रश्न आए कि सबसे कम कैल्शियम फास्फेट किसके हड्डियों में होता है तो होता है आंसर साथियों कैमल, ऊँट। इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि भैया सबसे कमज़ोर हड्डियाँ किसकी हैं, तो आप बताओगे कि सबसे कमज़ोर हड्डियाँ ऊँट की, और सबसे मजबूत हड्डी बात करें कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में तो वो आती है दोस्तों आपके किसकी, वो आती है डॉग्स की। तो ये बता आपने कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सूर्य सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है, किस विटामिन की प्राप्ति होती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग वाई सन बाथ, विच विटामिन्स जेनरेट इन ह्यूमन बॉडी। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। मित्ता सांगवान, बहुत अच्छे भाई। अमन, दिनेश, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ और आंसर सभी को पता है इसका। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आंसर भी आएगा साथियों क्योंकि प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका आपके सामने। इसका तो बिल्कुल एक बिना सेकंड का भी समय गवाया आपको आंसर देना था। विटामिन डी, इसी को तो बोलते हैं आप सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन, कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। और इसी को आपने क्या बोला था कि भाई इसका स्टोरेजेशन कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। और एक्सेस विटामिन डी से कौन सा ऑर्गन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, किडनी फेलियर होता है। ये सब बातें आपने पहले भी कर ली थी। मुकेश जी ने भी बी दिया, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्रश्न आपका बताना आपने कि भाई मानव शरीर में निम्न में से क्या क्या सुखंडी से प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाई रिकेटस, ये सुखंडी आप इसको क्या बोलते हैं हिंदी में से, सूखा रोग, सूखा रोग। बोन्स अफेक्टेड होती हैं या टिश्यू अफेक्टेड होते हैं या मसल्स अफेक्टेड होती हैं या ब्लड। तो साथियों जो रिकेटस डिजीज है इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर जो अफेक्ट रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अफेक्टेड बाय रिकेटस, देखो मैच कर लेना अपना एक बार। बोन्स रिकेटस के कारण साथियों क्या होती है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, अनबैलेंस ग्रोथ। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए बोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका। नेक्स्ट जो प्रश्न दोस्तों आपका हमारे सेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा सलाइवा में विद्यमान एंजाइम, सलाइवा में विद्यमान एंजाइम भाई बताना आपने, सलाइवा में विद्यमान एंजाइम, लार के अंदर विद्यमान एंजाइम्स का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है, जो मंड का ब्रेकडाउन करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप स्टार्च जो इसके डाइजेशन में सहायता करता है। लाइपेज, पेप्सिन, अमाइलेज, रेनिन। देखिए आपने पहले ही बताया कि भाई जो लाइपेज है दोस्तों,
लाइव पेज, ये किसका डाइजेशन करता है, ये फैट का, फैट के डाइजेशन में सहायता करने वाला एंजाइम से। एंजाइम्स आपको पता है बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंडिन को सेक्रेट करती हैं, छोड़ती हैं, ठीक है। जो पेप्सिन है ये साथियों प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का जिस भी रूप में इसको प्रोटीन मिलता है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड्स, इसको ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करवाता है ये, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन डायरेक्टली हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, पहले हम उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मोहित रोहिला जी नमस्कार भैया, दिनेश जी आज आप कई आंसर गलत दे रहे, पता नहीं क्यों। देखिए ये बताया आपने पेप्सिन प्रोटीन, याद रखिए पॉलीपेप्टाइड में को तोड़ करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। रेनिन दोस्तों, रेनिन ये स्पेशली आपके मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मिल्क प्रोटीन का, दूध प्रोटीन का पाचन करवाता है साथियों। तो बचा है क्या आपका अमाइलेज, तो कन्फर्म है आंसर सी आपका फुल एंड फाइनल जो आपने बताया। आंसर क्या बताया दोस्तों आपने, आंसर बताया आपने सी, आंसर बताया आपने क्या बताया, सी एमिलेज। हमारे सलाइवा के अंदर दोस्तों एमिलेज और टाइलिन्स नाम के एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज और टाइलिन नाम के एंजाइम्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, मुंह के अंदर से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, पाचन शुरू करते हैं साथियों। कार्बोहाइड्रेट्स का मुंह से ही सबसे पहला घटक है हमारा जिसका पाचन होता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है सबसे पहले बक्कल कैविटी से ही, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एमिलेज और टैलिन एंजाइम करते हैं, एक होता है हमारा ये तो लाइव पेज, एक लाइव मेज होता है, लाइव मेज जो मुंह के अंदर कैविटी बढ़ने से रोकता है, ठीक है, याद रखिए लाइमेज होता है वो। तो आंसर क्या है इसका, अमाइलेज और टाइलिन। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्तक जो पौधों में, उत्तक जो पौधों में भाई क्या काम करता है, उत्तक जो पौधों में भाई जल का परिवहन करता है। देखिए जो प्लांट टिश्यू है आपके सामने, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब तक आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू ये साथियों प्लांट्स के अंदर, एक तो प्रीपेड जो फूड था लीव्स के अंदर पत्तियों के अंदर, तैयार भोजन को साथियों ये कहाँ पर लेकर के जाता है, फ्लोएम है जो ये तैयार भोजन को प्लांट्स के सभी पार्ट तक कैपेलरी एक्शन के द्वारा, कैपेलरी क्रिया के द्वारा नहीं लेके जाता, किसके द्वारा लेके जाएगा ये देखो, जाइलम उत्तक जो होता है ये होता है साथियों आपका सीव, कैपेलरी क्रिया के द्वारा, केशिकताओं के द्वारा, केशिकताओं कैपेलरी एक्शन कह सकते हो आप इसको, कैपेलरी क्रिया, इसके द्वारा साथियों ये मिनरल्स और वाटर को, किसको, मिनरल्स और वाटर को, जल और खनिजों को लेके जाता है। और जाइलम टिश्यू साथियों आपका क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है और डेड सेल से मिलके बना होता है, जबकि जो फ्लोएम टिश्यू साथियों ये प्रिपेयर्ड फूड और तैयार भोजन को प्लांट्स के सभी पार्ट तक सीव ट्यूब के द्वारा, सीव ट्यूब के द्वारा चालनी नलिकाओं के द्वारा लेकर के जाता है। और इसका जो अहम रोल है, किसका, इसका जो अहम रोल है दोस्तों फ्लोएम टिश्यू का, ये डाई डायरेक्शनल होता है, ये द्विदिशीय होता है आपका फ्लोएम टिश्यू, याद रखेंगे इसको। हार्मोन्स प्लांट के अंदर, हार्मोन्स और प्रिपेयर्ड फूड को सभी भागों तक पहुंचाना इसका कार्य है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था कि भाई वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो देखो दोस्तों वाटर को कौन करता है आपका, वो करता है आपका जाइलम टिश्यू, और जाइलम टिश्यू एक दिशीय होता है और ये अपना प्रोसेस सीव ट्यूब्स के द्वारा नहीं करता, वो तो फ्लोएम करता है, ये अपना चालनी नलिकाओं के द्वारा ये नहीं करता, जिसको सीव ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं। इसका स्पेशल आंसर क्या था आपका, जाइलम टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में दारू उत्तक भी कहते हैं इसको, तो ये अपना कैपेलरी क्रिया के द्वारा मिनरल्स और वाटर को पत्तियों तक पहुंचाता है, अपनी जड़ों के द्वारा एब्जॉर्व करके
और कैपेलरी रिएक्शन के द्वारा साथियों कोई भी लिक्विड है वो फैलता है किसी सतह से। कैपेलरी रिएक्शन के द्वारा ही दोस्तों, कैपेलरी रिएक्शन के द्वारा ही मार्कर के अंदर इंक जाना या स्पिरिट लैंप के अंदर स्पिरिट का जाना, ये सब साथियों। गुड इवनिंग भाई छोटा भीम, काफ़ी लेट आया, आप आंसर तो आते ही दे दिया बोले, बहुत अच्छे से आवाज फॉलो इन टीच, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट देखिए मेरा अपना क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, देखिए इसको बताना आपने दोस्तों कि शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषध का प्रयोग करते हैं। विच मेडिसिन इज यूज टू चेक लेवल ऑफ थर्मामीटर्स ऑफ फीवर। एंटीपायरेटिक्स, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, नन ऑफ दीज। किसका उपयोग करेंगे हम इसके अंदर दोस्तों, हम इसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं। एंटीपायरेटिक साथियों जो ज्वरनाशी होते हैं, पायरेटिक होती हैं साथियों आपकी जो भी दवाइयाँ हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कम को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं पायरेटिक। और एंटी पायरेटिक जो स्पेशल औषध है आपका, इसके अंदर कौन सी आएंगी जो कम करने वाली है, जो टेम्परेचर को कम करती है। एक हेल्थी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एल के सैन, नमस्कार भैया, नमस्कार जी, आए भी थे आज आप, उसको देखिए आगे देखो, इसको पूनम, नमस्कार भैया। ज्वरनाशी है ये, एंटी पायरेटिक के रूप में इस्तेमाल कौन किया जाता है, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल और गिलोय। पैरासीटामोल से तो क्या होता है, नुकसान होता है हमारे लीवर को, कहते हैं ना कि एक्सेसिव जो पैरासीटामोल डैमेज लीवर, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपने सुने होंगे। जबकि जो गिलोय होता है साथियों, गिलोय एक अच्छा स्रोत है किसका, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने का भी, और नेचुरल रूप से एंटी पायरेटिक के रूप में, ज्वरनाशी के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर यह आंसर आपने दे दिया इसका एंटी पायरेटिक के रूप में। और जो आपने बताया पेन किलर, पेन किलर दोस्तों, पेन किलर जितनी भी दवाइयाँ होती हैं जैसे इंट्राजेसिक, एनल्जेसिक्स बोलते हैं इसको आप, या फिर आपकी एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, ये सब क्या आपकी, ये ज्वरनाशी के रूप में नहीं, ये पेन किलर के रूप में आएंगी। और जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स वो सारे के सारे साथियों हम इन्फेक्शन संबंधी रोकने वाली बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या था इसका, ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन, क्या बता आपने। हीमोग्लोबिन का मुख्य संगठक है मैन एलिमेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, बताना आपने हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है इनमें से, वो बताइए जल्दी से क्या है हीमोग्लोबिन। इसका क्लोरीन है या आयरन है या कैल्शियम है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो आयरन है ये हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट होता है, सभी ने आंसर दिया है आयरन, लोहा लोहा लोहा, बहुत अच्छे शाबाश, बी 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 सभी का ठीक है, बहुत अच्छे भाई, वेरी नाइस सभी को। ये बता दोस्तों अब क्या बता, आयरन। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन साथियों हमारे ब्लड में जो रेड कलर है उसका रीजन कौन है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मेन कार्य होता है पूरी बॉडी के अंदर मंजीत नैन, आयरन, बहुत अच्छे से आवास। तो क्या बता आपने हीमोग्लोबिन दोस्तों ये हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, कौन, हीमोग्लोबिन। और इसके कलर का कारण क्या होता है, आयरन। और आयरन के कारण इसका कलर रेड होता है, और क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण। और हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन के दिखता वाला ब्लड किस में सर्कुलेट करता है, वो दोस्तों आर्टरीज में करता है। हो गया प्रश्न ये, चलिए बहुत अच्छे शाबाश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों फिर आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में दोस्तों, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, देखो
विनेगर सिरके के अंदर आपका होता है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंट वाइट्स के अंदर होता है, रेड एंट, येलो एंट, जैसा भी एंट हो, ठीक है, सभी के अंदर क्या होता है आपका फॉर्मिक एसिड, जिसे आजकल मैथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। मैथेनोइक एसिड बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, मैथेनोइक एसिड बोलते हैं इसका, आईयूपीएसी नाम मैथेनोइक एसिड है फॉर्मिक एसिड का। सिट्रिक या साइट्रिक एसिड साथियों, ये जितने भी आपके खट्टे फल हैं, जो लेमन फैमिली स्पेशल, आंवला और नींबू परिवार, मौसमी संतरा किन्नू आदि, ये उनके अंदर आ जाता है दोस्तों। और ये जो आपने बताया ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड साथियों कच्चे अनाज के अंदर, टमाटर के अंदर, पालक के अंदर, सभी के अंदर क्या होता है जो बताया अभी, ये इनमें होता है ऑक्जैलिक एसिड। तो आंसर क्या है आपका, डी। आंसर क्या है, डी। क्या आंसर, डी। जल्दी देखो भाई, आप ना थोड़ा लेट जुड़ते हैं, कोशिश किया करो अपने क्लास पर पूरे टाइम पर जुड़ने की और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करने की। आपके सहयोग से ही आपका हर कार्य अच्छा होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए प्रश्न आपका, प्रश्न देखिए आपका ये रहा, कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें साथियों प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका, कहाँ पर होता है ये। देखिए ये होता है साथियों आपका, जल्दी से बताएं एक बार, बी बी बी, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट का आकार कितना होता है साथियों, 4 से 6 μm, या कह सकते हो माइक्रोमीटर, 4 से 6 μm होता है इसका आकार, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से फिर, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो धमनी आर्टरी है वो कौन सी साथियों, फ्रेनिक आर्टरी, पलोमरी आर्टरी, वेनकेवा, एरोटा या ओर्टा बोलते हैं, एरोटा या ओर्टा, तो ये सबसे बड़ी बताई आपने, सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है, एरोटा, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधमनी, महाधमनी दोस्तों, ये आपने बताया। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन देखिए, शाबाश, जल्दी से देखो फिर, डायलिसिस, डायलिसिस दोस्तों, डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है साथियों, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, या सोमोलियोसिस, या होमोसिलोसिस। तो साथियों इसके अंदर जो स्टार्ट होता है डायलिसिस के अंदर, जो प्रोसेस हमारा होता है वो कौन सा होता है, ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परासरण नियमन, परासरण नियमन बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, परासरण नियमन के द्वारा ही जो खनिजों की आदि की जो सांद्रता है वो अधिकता से कम की तरफ चलती रहती है, इसी प्रकार से जल का होता है अधिकता से कम की तरफ में चलता रहता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, तो ऑस्मोसिस इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका ये देखिए, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है वो बताना आपने, कौन सा सेल ऑर्गेनल से साथियों जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में सहायता करता है, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जो जल्दी से आंसर दें, राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, इनमें से बताना आपने कौन सा है, ए बी सी डी, जल्दी से बताएं, एलकेसेंस, देखो राइबोसोम साथी क्या होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ये आपने बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो डायलिसिस के अंदर अभी तो बताया था आपने ऑस्मोसिस है, कौन सी है, ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट देखो फिर, ये है आपका नेक्स्ट,
बताइए श्वसन की क्रिया में श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है मॉलिक्यूल्स विच इज फुल ऑफ एनर्जी एंड सिंथेसाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन साथियों, तो क्या कहलाएगा? पाइरूवेट कहलाएगा, लैक्टिक एसिड कहलाएगा, एडीपी कहलाएगा या एटीपी कहलाएगा? तो बताना इनमें समृद्ध कौन सा है दोस्तों? देखिए पाइरूविक एसिड तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के अंदर होता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल एनारोबिक एसिड के अंदर होता है, एडीपी ये डाई फास्फेट है और एटीपी ट्राई फास्फेट है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा ज़्यादा समृद्ध यौगिक है? तो कौन सा समृद्ध ज़्यादा यौगिक साथियों? ये आपका डी है। कौन सा है? डी है, एलकेशन डी। बहुत अच्छे, वेरी नाइस भाई। तो नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट पर्सन आपका दोस्तों ये रहा, किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, ये बताया था आपको, क्या बताया था आपको, ये बताया भी आपने दोस्तों, सिल्वर सबसे कम प्रतिरोध है, सबसे अच्छा चालक है। ये रिपीट हुआ पर्सन, 6.60 मल्टीप्लाई 10^-8 ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है। ये दोबारा फिर एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट फिर आपका रेस्पिरेशन दोस्तों, श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? रेस्पिरेशन इज पहले इन विच कैटेगरी? तो रेस्पिरेशन क्या साथियों? एक्जोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन है, कम्बिनेशन है। रेस्पिरेशन क्या है जल्दी से बताएं। सोनू चौधरी, सिल्वर तो हो चुका, नेक्स्ट पर्सन पर आ गए भैया। अब उष्मा शोषी है, उष्मा क्षेपी है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, या उष्मा को एब्जॉर्ब करने वाली उष्मा शोषी है, या विखंडन की अभिक्रिया डिकम्पोजिशन वाली है, या कम्बिनेशन की अभिक्रिया, जल्दी से बताइए। बी 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 बी, सभी का बी, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या आपका? बी है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज ए स्लो कम्बुशन, मंद दहन है, बार बार रिपीट होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। अगला क्वेश्चन आपका भाई, मानव में उत्सर्जन की शिकायत और आता है, एस्क्रेटरी यूनिट क्या है मनुष्य के अंदर साथियों? वो बताने अपने नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स साथियों, कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 10 लाख से भी अधिक होते हैं, 10 लाख से भी अधिक होते हैं साथियों। जो नेफ्रीडिया होता है ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन साथियों किडनी के अंदर होता है। न्यूरोन साथियों ये नर्व सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। यूरिनरी जो यूरिथ्रा है ये आपको यूरिनरी ट्रैक के अंदर ही आता है। तो प्रश्न क्या था आपका, कौन सा यूनिट है? यूनिट क्या आपका? नेफ्रॉन से ऑर्गन पूछे तो किडनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी, क्रैब्स बिलोंग्स टू द फाइलम्स, यानी कि केकड़े खालिस्तान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं साथियों। जो केकड़े हैं वो किस परिवार के अंदर आएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने साथी बता पाते हैं। मोलस्का, नेडेरिया, आर्थ्रोपोडा या प्लेंटी हेलमिनेथीज, जल्दी से आंसर दें, देखते हैं कितने साथी बता पाते हैं इसको। ये सभी साथी अपने ग्रुप्स के अंदर भाई इसको भेजें, लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से आंसर है भैया आर्थ्रोपोडा। 10 लैक्स, जल्दी से बताइए, मोलस्का में, निडेरिया में, आर्थोपोडा में, कमेंट करके बताएं जल्दी किसके अंदर आते हैं। केकड़े किसके अंदर आते हैं? मोलस्का, निडेरिया, आर्थोपोडा या प्लेंटी हेलमिनेथीज? हो गया, देखिए जो केकड़े होते साथियों, क्रैब्स, क्रैब्स बिलोंग्स टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव है। मानव में उत्सर्जन की इकाई है, ये तो अभी आपने किया था, नेफ्रॉन है, ये भी कर लिया आपने, इस पर ध्यान। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा, इनमें से वो बताना आपने। लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट,
जिंक सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, निम्न में से क्या जल में घुलनशील नहीं है वो बताना है आपने, कौन सा नहीं घुलता है? लेड नहीं घुलता, जिंक नहीं घुलता, पोटासियम नहीं घुलता, सोडियम नहीं घुलता। देखिए दोस्तों, पोटासियम, जो पोटासियम आप बताते हो इन सब के अंदर से, जो आपका पोटासियम है, यही था आपका प्रश्न, पोटासियम है, जिंक है, लेड है, इन सब के अंदर से दोस्तों आपका जो आंसर है वो क्या, आपका लेड सल्फेट है। लेड नहीं घुलता, जिंक भी घुल जाता है, जिंक भी घुल जाता है, ठीक है, पोटास भी और सोडियम भी, क्या नहीं घुलता, लेड नहीं घुलता। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आज का सेशन का साथियों, लास्ट क्वेश्चन है आज का, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल आसान प्रश्न है आपका, माइकल फेराडे ने किया था, जोसेफ हेनरी ने किया था, या कैल्सिली ने किया था, या जॉन बियर्ड्स ने किया था साथियों। तो जॉन बियर्ड्स बोलते हैं इसको हम, जॉन बियर्ड्स, तो जॉन बियर्ड साथियों इसका फाइनल आंसर आपने बताया, जॉन बियर्ड्स। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर बोलते हैं, जय हिंद। तो अपने ग्रुप्स में शेयर करें इसको सभी साथी, और कल के लिए फिर एक नई सीरीज के साथ में इन्हीं क्वेश्चंस में मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।